ईमेल आया, लिसनर्स रिक्वेस्ट. ओ आई लव लिसनर्स रिक्वेस्ट. उप्स. आई प्रेरणा, मैं आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ देहरादून से. मैं और मेरी बीवी अक्सर आपका यूट्यूब चैनल सुनते हैं. और थैंक यू, आपने पॉडकास्ट हमारी रिक्वेस्ट पे शुरू करी. अरे जनाब, आप लिसनर्स की रिक्वेस्ट सर आंखों पर. तभी तो आप लोगों की सहूलियत के लिए प्रेरणा के पन्नों से ना सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एंकर पे है, बल्कि ईमेल पे इसी तरीके से आप भेज सकते हो. नाम याद रहे तभी तो एक ही रखा है, प्रेरणा के पन्नों से. ओके, लोग बदलते नहीं है, समझते नहीं है. क्या मैं कोई कहानी? बिल्कुल ज़रूर. तो पेशे खिदमत है. एक लिसनर था, एक स्टोरी टेलर थी. लिसनर की एक परेशानी थी और उसका समाधान उस स्टोरी टेलर की कहानी थी. तो परेशानी लिसनर की ये है कि लोग समझते नहीं है, लोग बदलते नहीं है. और कहानी स्टोरी टेलर की है, आपकी अपनी प्रेरणा की, प्रेरणा की जुबानी. तो मेरी दादी बाँ के पिटारे में से निकली ये कहानी, मेरी जबानी बयां करती है आपकी परेशानी. आओ फिर बैठो, सुनो मेरी कहानी. एक दूर शहर में एक बहुत अमीर आदमी था. उस अमीर आदमी के पास में खूब सारी धन दौलत थी. अपने शहर का सबसे बड़ा रईस था. एक दिन वो आदमी सोकर उठा तो उसकी आंखों में कुछ इचिंग हो रही थी. जब उसने रगड़ा तो देखा ये तो लाल हो गई. कुछ दिन तो उसने पहले घरेलू इलाज करे, फिर वो लोकल डॉक्टर्स के पास में गया, पर उसे कहीं कोई आराम नहीं मिला. फिर उसने एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एक बहुत चर्चित डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखें दिखाई. आंखें दिखाई, डॉक्टर ने खूब सारे टेस्ट करे और फिर बड़े बुझे मन से कहा, मैंने आज तक ऐसी आंखें नहीं देखी. वो अमीर आदमी घबरा गया. क्या हुआ डॉक्टर, क्या मैं ठीक तो हो जाऊंगा, क्या मेरी परेशानी है? डॉक्टर ने कहा, भाई साहब, आपकी आंखों में एक ऐसी एलर्जी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है. अगर आप हरे रंग के अलावा कोई और रंग देखेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा भी सकती है. क्या कोई और इलाज नहीं है? नहीं, ये तो बीमारी बहुत अनोखी है. मायूस शक्ल के साथ में वो अमीर आदमी अपने घर की ओर निकल गया. पर फिर उसने सोचा, इतना पैसा किस काम का, हरा रंग ही तो देखना है. उसने अपने आसपास हर दीवार, हर घर, हर मकान, हर चीज, जो जो जहां जहां वो जाता था, जो जो उसने देखना होता था, उसने हर चीज हरी कर दी. आ गई ना चेहरे पे मुस्कुराहट आपके, कि चलो अगर उस अमीर आदमी के पास में समस्या आई तो उसके पास में इतनी धन दौलत थी उस समस्या का समाधान करने के लिए. पर ऑब्वियस ही बात है कि समाधान क्या लगता है आपको? ठीक है भाई, प्रेरणा की कहानी लोगों की परेशानी को सुलझाने के लिए होती है, पर साथ साथ में आपकी दिमागी तरंगों को जगाने के लिए भी होती है. सोचिए सोचिए, क्या कुछ और हो सकता है तरीका? ये तरीका बताने के लिए आया एक नौजवान दूसरे शहर से. वो नौकरी की तलाश से, उद्देश्य से इस शहर में आया था. और जब वो उतरा रेलवे स्टेशन पर तो उसने आसपास देखा, हरा हरा हरा, हर दीवार हरी, हर दुकान हरी, सब हरा. वो बड़ा परेशान होता हुआ चली जा रहा, कैसा अजीब देश है, कैसा अजीब शहर है, सॉरी, कैसी अजीब जगह है. उसे सड़क पे एक आदमी दिखा, उसने कहा, भाई साहब 2 मिनट देंगे जरा? उस आदमी ने कहा, हाँ बोलिए, ये यहाँ पे हर चीज हरी क्यों है? उसने कहा, अरे भाई, यहाँ पे एक बहुत ही अमीर आदमी रहता है, उसकी आंखों में कुछ परेशानी हो गई है और उसकी इस परेशानी का खामियाजा ये है कि यहाँ पर हर चीज हरी है.
उसकी कोई आंखों में समस्या है कि हरे रंग के अलावा अगर वो कोई और रंग देखता है तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। ये लड़का आया जो दूसरे शहर से, उसने बड़े कौतूहल से पूछा, क्या मुझे इस अमीर आदमी का घर बताएंगे? कहते ले, जो सबसे बड़ा हरे रंग का घर है वो उसी का है। उसने कहा, पर अब आसमान तो नीला है, चांद तो सफेद है और सूरज तो पीला है, वो उसका क्या करता है? कहते खुद ही पूछ लो। इसी इन्हीं प्रश्नों के साथ में वो दूसरे शहर से आया हुआ लड़का उस अमीर आदमी के पास गया। अमीर आदमी के पास में गया और जाके कहा, जनाब आप ही हैं वो जिनकी आंखों में ये समस्या है? उस अमीर आदमी ने कहा, हाँ क्यों? उन्होंने कहा, आपके पास में इतना पैसा था और बीमारी आपको ही हुई, तो आपने हर चीज हरी कर दी, कितने रुपए आपने इसमें खर्च कर रहे हैं? अमीर ने कहा, लाखों। क्या तुम कोई मुनीम हो जो पूछने आए हो? वो लड़का हंसा, अरे नहीं नहीं मैं तो हंस रहा हूं उन सब लाखों रुपए की बर्बादी पर। अमीर आदमी को गुस्सा आ गया, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? उस लड़के ने कहा, कभी सोचा है इसका एक इतना सस्ता टिकाऊ इलाज भी है? नहीं सोचा था आपने भी? नहीं पता क्या है वो इलाज? तो सुनिए क्या कहा उस लड़के ने, जनाब आसपास हर चीज हरी करने से अच्छा आप एक हरे रंग का चश्मा ही खरीद लेते, एक चश्मा हरे रंग के शीशों वाला, प्लास्टिक वाला, वो ही बनवा लेते। सारी दुनिया को हरा करने की क्या जरूरत थी? नहीं आया था ना आपके दिमाग में भी? मेरे प्यारे श्रोता, दुनिया को बदलना कठिन है जब हम हमसे ज्यादा हमारे बारे में और कोई नहीं जानता और हम नहीं बदलना चाहते, तो हमारे को क्या हक है किसी और को बदलने का? और हम कौन होते किसी को बताने वाले कि कैसे होना चाहिए? भाई खुदा ने हम सबको बनाया है, अब हम सब एक जैसे नहीं है, ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। पर एक समस्या, एक सिचुएशन के हिसाब से हम कैसा महसूस कर रहे हैं ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं, तो किसी और को बदलने की उम्मीद करने से अच्छा हम खुद क्यों नहीं बदल जाते, है ना? इट इज ऑलवेज ईजियर टू चेंज योर ओन सेल्फ रादर देन फोर्सिंग अदर्स टू डू द सेम। जब हम चाहे 5 साल के हों या 50 साल के हों, हमको बदलना पसंद नहीं है, पर उम्र के साथ, एक्सपीरियंस आने के साथ हमें ये तो पता है ना कि हमें क्या चीज़ दुख देती है, और उस दुख को सुख में बदलने का सारा जिम्मा हमारा अपना होता है। हम सिचुएशन नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम हालात नहीं बदल सकते, हम अगर बदल सकते हैं तो सिर्फ खुद को। और इस सोच को बदलने के लिए क्या करना होता है? बताओ 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 क्या करना होता है? इश्क योरसेल्फ।